वेदों की यात्रा से हमारे बीच में जगन्नाथ सुख जी आए हैं, स्वागत करते हैं। बहुत ही आर समाज को समर्पित जीवन है। हमारे आर समाज के उपमंत्री श्री सत्येंद्र रावल जी तो परछाई से कभी पता नहीं जब दो व्यक्ति काम बैठे हैं सदन सिंह। अच्छा हम स्वागत करते हैं आपका। वेद पढ़ के दिया हमें विशुद्ध ज्ञान गीता। जरा यात्रा का स्वाध्याय करने वाले लोगों सोचो, ये कोई व्याभ्याचारी व्यक्ति लिख सकता है क्या? गीता जैसे ग्रंथों को हमें कोई अनाचारी दे सकता है क्या? वो तो व्याभिचार की बात करेगा। आज तक के तथा कथित कथावाचकों ने कृष्ण को बदनाम करके छोड़ दिया और इस पर हमारा कोई अंकुश नहीं है। महर्षि स्वामी दयानंद जी ने चार समाजों की स्थापना की थी। उनका उद्देश्य था राष्ट्र को स्वावलंबी बनाना, राष्ट्र को पवित्र बनाना, राष्ट्र को एक समृद्धशाली बनाना, राष्ट्र को एक विचारशील बनाना, राष्ट्र को एक ऊंचे स्तर का विश्व का गुरु बनाना। जैसे अतीत में पूरा हमारा राष्ट्र जो है सारे संसार का गुरु रहा, इसी उद्देश्य को लेकर महर्षि स्वामी दयानंद ने आप समाज के साथ साथ में तीन और समाजों की स्थापना की। कुछ लोग नहीं जानते होंगे, कुछ जानते भी होंगे। एक होने की धर्म आर्य सभा, धर्म आर्य सभा का गठन किया और उनको निर्देशित किया कि वो क्या करेंगे। धर्म के प्रति, धर्म के अंदर जो रूढ़िवाद है, धर्म के अंदर जो अंधविश्वास है, धर्म के अंदर जो अज्ञानता है, धर्म का वास्तविक रूप क्या है, धर्म किसको कहते हैं, धर्म को समझाना पड़ेगा, धर्म को समझना पड़ेगा। ये बातें महर्षि स्वामी दयानंद जी ने इस समाज को स्थापित किया, धर्म आर्य सभा, उसका नाम रखा धर्म आर्य सभा। और राज्य को किस प्रकार से ठीक किया जाए, राष्ट्र की व्यवस्था को कैसे ठीक किया जाए, भगवान कृष्ण ने कैसे राज्य की व्यवस्था को ठीक किया, कैसे अनाचार और पापाचार को समाप्त किया और वो कैसा राज्य चाहते थे, ऐसा ही राज्य महर्षि स्वामी दयानंद जी चाहते थे। उनका स्वप्न भी यही था। उन्होंने राज आर्य सभा का गठन किया। ये जो राज आर्य सभा के पदाधिकारी होंगे वो राजा के कर्तव्य क्या है, राज कर्मचारियों के कर्तव्य क्या है, राजाओं के प्रतिनिधियों के कर्तव्य क्या है, यदि उनके अंदर दूजता है, उनके अंदर चरित्रहीनता है, उनके अंदर धर्मांधता है तो उनको हटाया जाएगा और उनकी जगह पर दूसरे अच्छे आप पुरुषों को, अच्छे आर्य भद्र पुरुषों को नियुक्त किया जाएगा। तो राज आर्य सभा की व्यवस्था महर्षि स्वामी दयानंद ने मनु के सिद्धांत के अनुसार और विदुर नीति के अनुसार, कृष्ण नीति के अनुसार जो है इस समाज का गठन किया, राज आर्य सभा। तीसरी सभा का जो विद्या आर्य सभा का गठन किया था महर्षि स्वामी दयानंद ने, पर सो गए आर्य समाज के प्रहारी, सो गए आर्य समाज को जगाने वाले। आज कुछ लोगों ने व्यवसाय बना लिया है आर्य समाज के प्रचार को, कथावाचक बन रहे हैं, कोई किस प्रकार से जो है पैसे ऐंठ रहा है। पौराणिकों की तरह से आर्य समाज में भी ये भ्रांतियां ये आ गया है। तो कहां गए वो? उन्होंने लिखा कि विद्या आर्य सभा का गठन किया और जो आर्ष विद्या है, जो वेद के अनुसार विद्या है, जो हमारे शास्त्रों के अनुसार विद्या है, जिस विद्या को ब्रह्मा से लेकर जैमिनी पर्यंत गुरुओं ने एक परंपरा के तहत चलाया, उस परंपरा को, उस विद्या को जो है विद्या आर्य सभा उस विद्या को लागू करेगी। पर आज हम आपस में उलझ करके ही लड़े, आज हम पदों के लिए ही लड़ रहे हैं। आज ये हमारा दुर्भाग्य हो गया है कि हम किधर जा रहे हैं। ऋषि दयानंद का सपना क्या था? महर्षि दयानंद ने अपने जीवन को बलिदान किया इस राष्ट्र के ऊपर। उनको कुछ मामूली जीवन था, उस जीवन की कीमत यही है क्या कि हमने आज अपने स्वार्थ में उनको भुला दिया है, भगवान कृष्ण को भुला दिया है अपने स्वार्थ के वती। वेद पढ़ने का अधिकार सबको दिया महर्षि स्वामी दयानंद। तो मैं बता रहा था भगवान कृष्ण के चरित्र को, उधर नहीं जाऊं, ज्यादा लंबा हो जाएगा, विस्तार में नहीं जाना चाहता। तो आइए ध्यान दीजिए, मैं बता रहा था वेद पढ़ के दिया हमको विशुद्ध ज्ञान गीता। और वेद कहाँ पर पढ़े? भगवान
कौन से गुरुकुल में, किसके गुरुकुल में पढ़े बताओ कर्मचारी, कौन बताएगा, हाथ ऊंचा करके बताओ, खड़े होकर के बताओ किस कौन से गुरुकुल में। बहुत महर्षि संदीपनी के आश्रम में वेदों को पढ़ा और माँ का एक दृष्टांत मेरे याद आ गया, कैसे निर्धन और धनवान की समानता, कोई भेद नहीं, कोई छुआछात नहीं, क्रूर की रथ में बैठा करके भगवान कृष्ण को छोड़ने जा रहे हैं संदीपनी के आश्रम में, गुरुकुल में छोड़ने जा रहे हैं, क्रूर जी बैठे हैं रथ को लेकर के जा रहे हैं, एक बच्चे के रोने की आवाज आई, कोई बच्चा रो रहा है, बड़ा बिलख रहा है, बड़ा विलाप कर रहा है, तड़प रहा है, उसके हृदय की जो कर्णों पुकार थी वो कृष्ण के हृदय पर छाप मार गए, सुना रघुधन तो हृदय द्रवित हो गया कृष्ण का, और क्रूर जी से कहा कि रथ को रोक दीजिए भगवान, कि क्या बात है माधव, क्या बात है, क्यों रोकवाते हैं वो रथ को, कि आप रथ को रोक दीजिए, रथ को रुकवा दिया। जिधर से आवाज आ रही थी किसी बालक के रोने की, भगवान कृष्ण उधर तक दौड़ पड़े और देखा जा करके एक बालक, एक ब्रह्मचारी, सर पर चोटी है और कांस्य वस्त्र पहने हुए ब्रह्मचारी के मस्तिष्क से जो ब्रह्मचर्य धड़क रहा है उसको देखकर के भगवान कृष्ण सोचने लगे कि ये कोई ब्रह्मचारी है, गुरुकुल का ही ब्रह्मचारी। जब पास में गए तो पूछा क्यों रो रहे हो, ब्रह्मचारी ने कहा मेरे पैर में कांटा लगा है और वो कांटा निकल नहीं रहा है, भगवान कृष्ण ने बहुत कोशिश की हाथों से निकालने की परंतु कांटा नहीं निकला, भगवान कृष्ण ने अपना घोटा खड़ा किया और अपने घुटने पर उनका पैर ऐसे रख दिया एडी को और दांत लगा करके दांत से भींच करके उस कांटे को निकाल दिया। तो कितना उदार हृदय भगवान कृष्ण का, क्या ये समाज को ये बताते हैं, ये उसे नचकैया को बताते हैं, क्या हमने चरित्र खराब किया, हमारे नौजवान, हमारी माताएं, हमारी बहनें इस बात को जानती है कि किस प्रकार से संतान का निर्माण होता है, कैसे भगवान कृष्ण और रुक्मणी ने मिलकर के संतान का निर्माण करके इस राष्ट्र को प्रद्युम्न जैसा पुत्र दिया, और कितना गंभीर, कितना धीर 101 गालियां दे दी शिशुपाल ने, पर अपनी माँ को वचन दिया था, अपनी मौसी को वचन दिया था कि 100 गालियों तक तो मैं माफ कर दूंगा, पर अंत में उसको भी मारा, भार उतारा पृथ्वी, जरासिंध को मारा, कंस को मारा। क्या ये छोटी बात है, क्या कोई व्याभिचारी आदमी कर सकता है इस काम को, एक योगी पुरुष ये कर सकता है। मैं महाभारत का वर्णन कर रहा था, बड़ी ही कुशलता से महाभारत का युद्ध किया और युद्ध में कोई छोटा मोटा योद्धा नहीं था, कर्ण को परास्त करना अर्जुन के बस की बात नहीं थी, अर्जुन अपने में बहुत बड़ा धनुधारी था परंतु कर्ण को परास्त करने की हिम्मत अर्जुन में नहीं थी। नीति के तहत सल्ले को वहां फिट किया कर्ण के रथ पर, सल्ले किसका, माद्री का भाई था, नकुल और सहदेव का मामा लगता था, पर योजना के तहत भगवान कृष्ण ने उसको फिट करे और कहा तेरे को जो इसका हताश करना, इसको निराशावादी बनाना, इसके हृदय को हमेशा जो है ऐसे संस्कार आपको देने हैं कि हताश और निराश हो जाए, और यही करता था सल्ले, तेरे बस की बात नहीं है कि अर्जुन को मारना, अर्जुन बहुत बड़ा दांडीधारी है, अर्जुन बहुत बड़ा बलवान है, तू क्या है उसके सामने, उसके मनोबल को गिराता रहता था, तेरे बस का नहीं है, तू मनोबल को गिराता रहता था, ये किसने किया, भगवान कृष्ण ने तो फिट किया उसके रथ को हारने के लिए, क्योंकि रथ कृष्ण जैसा हारता था कोई तो वो सल्ले हांकता, सल्ले रथ हाँकना जानता था और कर्ण को पता था कि अगर सल्ले मिल जाए, कृष्ण के जैसा रथ जो हाँकता है, सल्ले चला सकता है कृष्ण जैसा, तो सल्ले मुझे मिल जाए तो मैं अर्जुन को परास्त कर सकता हूँ, पर जब सल्ले पता लगा
कि सल्ले जो है करण का साथी बन गया है, नींद नहीं आई है माधव, कृष्ण को नींद नहीं आई, और सल्ले से मिल करके ये योजना बनाई कि तुमको हताश करना है, तुमको निराश करना है। ये छोटी बात थी, नीति निपुण थे। आगे की बात सुनो, राजसू यज्ञ जब हुआ तो राजसू यज्ञ में एक अग्रज पूजा होती है जिसको सबसे उच्च कोटि का माना जाता है, जिस आत्मा को, जिस महापुरुष को सबसे ऊंचे दर्जा दिया जाता है। और वहां पर देखा गया, पूरे भारत का आकलन किया गया, विद्वानों का भी, पूरे आचार्यों का भी आकलन किया गया कि किसको जो है अग्रज पूजा का योग्य बनाया जाए। तब सबने मिलकर के भीष्म पितामह ने नाम दिया कि एक व्यक्तित्व है, कौन? भगवान कृष्ण। किसी ने विरोध नहीं किया और उसको अग्रज पूजा का अधिकार मिला। तो ये कोई छोटी बात थी। आइए एक गीत और। आज देश में क्या हुआ, महाभारत के समय में एक द्रौपदी का चीर हरण हुआ है, और ये जो दिखाते हैं ना कि चीर वो खींचता गया, बढ़ता चला गया, खींचता चला गया, बढ़ता चला गया, कोई वहां मील नहीं लगा हुआ था कि वहां पर कोई फगवाड़े का मील लगा हुआ था या कोई डीसीएम का मील लगा हुआ था जो साड़ी बना बना करके दे रहा था। वहां केवल एक ही व्यक्ति के डर, दो लोगों से डरता था दुर्योधन, दो लोगों से डरता था पूरे महाभारत के काल में। एक तो दुर्योधन डरता था अर्जुन से, और किसी से नहीं डरता था, ना भीष्म से डरता था, ना द्रोण से डरता था, केवल अर्जुन से डरता था, और हाँ भीम से डरता था, केवल भीम से डरता था, और डरता था भगवान कृष्ण से। जब सबकी ओर देख लिया द्रौपदी का चीर हरण हो रहा है, चीर को पकड़ लिया है जाकर के उसके वस्त्र को दुशासन ने, और वो हरण करने वाला है, आदेश मिल गया है दुर्योधन का, सबकी तरफ देख रही है द्रौपदी, भीष्म पितामह की ओर देखा, भीष्म पितामह नीची लगा करके बैठ गए, द्रोण की तरफ को देखा, द्रोण भी नीची लगा करके, कृपाचार्य उनके भी नीची लगा करके बैठ गए, जितने योद्धा बैठे थे केवल कौन? दुर्योधन का भाई विक्रण बोला कि ये तुम गलत कर रहे हो, उसको सभा से बाहर निकाल दिया, नहीं तो किसी की हिम्मत नहीं थी दुर्योधन के सामने बोलने की। फिर द्रौपदी ने कहा कि दुर्योधन, सोच लेकर मेरे भाई कृष्ण को पता लग गया ना तो तेरा क्या हाल करेगा, ये जान ले मैं जिसकी बहन हूं, मेरा भाई रक्षाबंधन का यही तो त्योहार है, भाई बहन की रक्षा करता है। जब दुर्योधन को कहा मेरे भाई कृष्ण को यदि पता चलेगा तूने मेरा चीर हरण किया है तो तेरा क्या असर होगा, याद कर ले, कांप गया दुर्योधन और दुशासन को रोक दिया। तो केवल दुशासन दुर्योधन कृष्ण से डरता, इसीलिए उसको अग्रज पूजा का अधिकार दिया गया। आइए बड़ा सुंदर गीत लिखा है। के सुनी हो गई भारत मां की गोदी रे घन श्याम सुदर्शन धारी राजा, गोदी रे घन श्याम सुदर्शन धारी राजा, कृष्ण मुरारी राजा हो सुदर्शन धारी राजा।
कोई जाए सुरक्षित है क्या? डर बना रहा है, पता नहीं घर लौट करके सुरक्षित जाऊंगा कि नहीं। चारों तरफ जो है देख रहे हैं आप कैसे बचाया जाता है दुष्टों को, पापियों को, जो व्याभिचारी है, बलात्कारी है, उनको बचाया जाता है। लोग चिल्लाते हैं, जो पीड़ित है, जो शोषित है, जो दुखी है, जो दीन है, कोई सुनने वाला नहीं है। पुलिस भी रिपोर्ट लिखने को तैयार नहीं है। क्या संसार की व्यवस्था कैसी होती जा रही है? अभी आपने बंगाल के अंदर देखा है, बंगाल के अंदर नहीं पूरे भारत में आप देख रहे, कहीं भी रोज अखबार पढ़ करके देखो, चौराहों पर, स्कूलों में आज सुरक्षित है क्या हमारी बेटियां? नहीं है। कैसी मानसिकता होती जा रही है आज के नौजवान को? कहां जा रहा है नौजवान? किसी को चिंता है? कोई सोचता है क्या कि समाज में दूषित पन ये कहां से आया है? या विचार, ये अनाचार, ये सर्वनाश की डर कहां से पैदा हो गया? क्यों हो रहा है ऐसा? कोई विचार करता है इस पर कैसे बदला जाए इसको? राज की व्यवस्था भी ऐसी है, 50% लोग जो है ऐसे हैं जो क्रिमिनल है, जिनका रिपोर्ट लिखी हुई है, जिनके FIR दर्ज है, ऐसे लोग सत्ता में बैठे हैं, क्या होगा? आइए बड़ा सुंदर गीत लिखा है कभी।